नमस्कार, मैं अनीता राजड़िया, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर। ई लेक्चर और प्रैक्टिकल के क्रम में आज का टॉपिक है पॉकेट्स। पॉकेट्स हमारे गारमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार हम गारमेंट बनाते समय फ्रंट बैग, स्लीव, कॉलर्स बनाते हैं, जो भी हमारे बॉडी का कोई ना कोई पर्पस सॉल्व करते हैं, चाहे लोअर गारमेंट हो चाहे अपर गारमेंट हो, हम जितने भी पार्ट्स हमने गारमेंट्स में बनाते हैं वो हमारे बॉडी को कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं, बॉडी का उसको कवरिंग करने के लिए। इसी तरह से हम पॉकेट्स भी बनाते हैं। पॉकेट्स का पर्पज होता है कि हम कुछ सामान अपने गारमेंट में, परिधानों में रख सकें, कोई छोटा मोटा सामान हम इसमें रख सकते हैं। पॉकेट्स अगर देखा जाए किसे कहते हैं, तो पॉकेट्स परिधान में एक स्मॉल फैब्रिक पीस या पाउच शेप रचना होती है, जिसे सामग्री को रखने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम, या फंक्शनल पर्पज के लिए हम परिधान में सीम या स्टिच के द्वारा अटैच करके क्रिएट करते हैं। पॉकेट्स कितने टाइप्स की होती हैं, जैसा कि नाम से देखते हैं अपन, पैच पॉकेट, इनसीम पॉकेट और कट पॉकेट। पैच पॉकेट नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पैच के फॉर्म में इसको बनाया जाता है और फैब्रिक पे अटैच किया जाता है। इनसीम, इनसीम मतलब ये सीम के अंदर इंसर्ट रहती है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे हिडन पॉकेट या साइड पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। कट पॉकेट, इसको हम गारमेंट में जो हमारी फ्रंट और पार्ट होता है या बैक पार्ट के पैंट वगैरह में, हम इसको कट करके क्रिएट करते हैं और एक पाउच के रूप में बैग इंसर्ट करके इसको बनाते हैं। पैच पॉकेट को आउटसाइड पॉकेट के रूप में भी जानते हैं। इसका यूजेस हम फ्रॉक, बाबा सूट, नाइट सूट, डंगरी टॉप, स्कर्ट, कुर्ता पायजामा, शर्ट, पैंट, जैकेट, टी शर्ट, अर्थात हम सभी गारमेंट्स में इसका यूज करते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। इसकी शेप के बारे में यदि देखते हैं तो हमें ये स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और सर्कुलर, या हम अपने द्वारा भी कोई एक शेप अच्छी सी, कोई हमको पसंद के अनुसार, एनर्जी के अनुसार कोई भी शेप क्रिएट करके हम इसे बना सकते हैं। पैच पॉकेट को हम बटन होल्स, बटन फ्लैप के रूप में, पॉकेट डिजाइन, यदि हम कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से, और लाइनिंग और विदाउट लाइन के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये थोड़ा रेक्टेंगल है, इसको हमने, बाकी पोर्शन तो इसका सेम है, नीचे से हमने इसे राउंड शेप दिया हुआ है, इसको हमने एक डायगनल लुक दिया है, बीच में इसमें लुक डाल के इसको दिखाया गया है, ये एक राउंड शेप क्रिएट कर दी है। इस तरह से हम पैच पॉकेट को अपनी मनपसंद शेप्स में बना सकते हैं और मनपसंद डिजाइन में बना सकते हैं। बच्चों के गारमेंट्स में इसका बहुत अधिक इफेक्ट दिखाई देता है, बच्चे तो पॉकेट्स को देखते ही गारमेंट्स से अट्रैक्ट होते हैं और कई बार तो वो गिनती भी करने लगते हैं कि हमारे गारमेंट में कितनी पॉकेट है। इसी तरह इस पैच पॉकेट को हम फ्लैप के रूप में, फ्लैप एक ढक्कन होता है जो उसको पॉकेट को बंद करने के काम आता है, इसके इसको अटैच करके भी हम इसको बना सकते हैं, तो ये पैच पॉकेट विद फ्लैप कहलाती है। इसका शेप भी हम अपने हिसाब से या रुचि के हिसाब से ले सकते हैं, ये राउंड शेप में दिखाई दे रहा है इसका फ्लैप, यहाँ इसको आपने डायंगल, थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में दिखाई दिया है, यहाँ हमने स्क्वायर फॉर्म में इसका, रेक्टेंगल फॉर्म में इसका फ्लैप क्रिएट किया है। अब बात आती है कि इस पैच पॉकेट को कैसे बनाया जाए, इसका पैटर्न कैसे बनाया जाए, तो एक इसमें बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। जब इसे बनाया जाता है तो एक बेसिक फॉर्मूले के रूप में कहते हैं कि जो भी चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/6 ले लीजिए, प्लस उसमें आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से 1.5 से लेकर 0.52 सेंटीमीटर, जितना भी आपको चाहिए वो मेजरमेंट हम इसमें ले सकते हैं। ये तो हो गया इसका विड्थ का मेजरमेंट। अब ऐसे ही इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप ये फॉर्मूले में चेस्ट का 1/6 प्लस 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से हम इसकी एक लेंथ और विड्थ क्रिएट करते हैं और इसके हिसाब से फिर हम आगे इसमें क्रिएटिव डिजाइंस करते हैं। जब इसे फैब्रिक पे बनाना होता है या गारमेंट पे बनाना होता है तो सबसे पहले हम इसका एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। पैटर्न होना, इसको हम बेसिक पैटर्न के रूप में देखते हैं। अब इसके बेसिक पैटर्न को हम फैब्रिक पे पहले मार्क करते हैं ताकि हमें एक स्पेस मिल जाता है कि हमें कैसे इसको काम को आगे बढ़ाना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्किंग की लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जैसे ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी मार्किंग की,
अब हम इसमें सोचते हैं कि आगे हमारा क्या वर्क है। यदि हमारा पहले से वर्क डिसाइडेड है कि हम इसमें टक्स बनाएंगे या हम कोई सीम लाइन भी फैक्ट देंगे इसके अंदर, तो हमें पहले से निश्चित करना होता है कि हम इसमें डिजाइन क्या डालने वाले हैं, या कोई कंट्रास्ट की डिजाइन है, या कोई मिक्स एंड मैच फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई आप एम्ब्रॉयडरी क्रिएट कर रहे हैं। वो सब काम हमें लाइन जो हम मार्किंग करते हैं उसी समय से ये काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही हमारा वो काम पूरा होता है उसके बाद हम इसमें अपना सीम अलाउंस ये पैटर्न, या आपने सीम अलाउंस के साथ बनाया है या विदाउट सीम अलाउंस के साथ, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे का काम करते हैं। नहीं बनाया है तो हम इसमें सीम अलाउंस ऐड करते हैं जितना भी हमें चाहिए, हाफ सेंटीमीटर और सॉरी हाफ इंचेस तक लेके हम इसका सीम अलाउंस ड्रॉ करके इसको पूरा क्रिएट करके पैकेट उसको पॉकेट को हम इसको अपने गारमेंट में कहाँ हमको इसको लगाना है उसकी मार्किंग कैसे करते हैं। मार्किंग के लिए साइड्स की लाइन प्लस इसके सेंटर की लाइन उस पर मार्क की जाती है, इसको पिनअप किया जाता है जो हमने पॉकेट्स तैयार कर लिए। इतना सब करने के बाद जब लगता है हमारा बिल्कुल सेंटर में बैलेंस पॉकेट दिखाई दे रहा है उसके बाद हम इसको फाइनल स्टिच कर देते हैं। पैच पॉकेट में डिजाइन बनाते समय हम अपने डिजाइनिंग एलिमेंट्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे लाइंस, हम डिफरेंट तरह की लाइंस से इसको क्रिएट कर सकते हैं। शेप्स भी हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं। बच्चों की गारमेंट्स में देखिए तो कार्टून की शेप या कोई फ्रूट्स की शेप, वो अपने मनपसंद फ्लावर्स की शेप में उनको इस तरह की शेप्स पसंद आती हैं, तो उस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। कलर टेक्सचर की बात है तो कलर्स भी एक ही पॉकेट में हम दो तीन कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे फैब्रिक या गारमेंट का कलर हमारा कोई भी हो, उससे बैलेंस करते हुए हम इसमें अपना कलर कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। टेक्सचर की जब बात आती है, टेक्सचर से मीन कि जिस बेसिक फैब्रिक से या मेन फैब्रिक जो हमारा है उसके अलावा भी उससे मैच करते हुए डिजाइन की को भी, चाहे वो प्रिंट्स में हो, चाहे स्ट्राइप्स में हो या कोई नेट में हो, उनको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हमने फैब्रिक टेक्सचर के रूप में। अब इस पॉकेट को जितनी लाइंस हम जितनी इसमें क्रिएट करते हैं कटिंग लाइंस, उसके हिसाब से इसको फिनिशिंग करते समय ये ध्यान रखते हैं कि अगर हमने इस पॉकेट को बीच में से कट कर दिया है या हमने इसके दो तीन पीस करके हमने एक पैच पॉकेट बना रहे हैं उसको वापस ज्वाइन करके, तो हम इसे लाइनिंग के साथ ही बनाना चाहिए। इस पैच पॉकेट को हम लाइनिंग के साथ और बिना लाइनिंग दोनों तरह से बना सकते हैं। जब हमें अपनी जितनी भी कटिंग लाइन्स इसमें की है उनको छुपाने के लिए जरूरत पड़ती है तो हमें इसमें लाइनिंग की हेल्प जरूर लेना चाहिए, इसे लाइनिंग के साथ ही बनाना चाहिए ताकि ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिश दिखाई दे। इसकी सीम्स की जब बात आती है तो सीम्स हम प्लेन सीम का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इसको पक्का करने के लिए इसमें डबल टॉप सीम का भी इस्तेमाल करते हैं। जब इसकी साइड्स फिनिशिंग की माउथ के साइड की फिनिशिंग की बात आती है तो हमें इसको डबल स्टिच से पक्का कर देना चाहिए क्योंकि जब हमारा हाथ बार बार जाएगा इसमें तो ये खुलेगा। पॉच पॉकेट में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें एज के हिसाब से और हमारे वर्क मतलब मेल और फीमेल के हिसाब से थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की डिजाइंस होती हैं, बच्चों के गारमेंट्स भी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो डिजाइंस हम उसको बड़ों की जैसे लेडीज के तक तो चल सकता है, भाई हम लेडीज में ट्रिमिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइंडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई लेसेज वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जेंट्स गारमेंट पे नहीं कर सकते। तो हमें एज ग्रुप और हमारे उसका सेशन का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए जब हम गारमेंट ये पैच पॉकेट क्रिएट करते हैं तो हम सीम्स के डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं, कलर्स के, कलर्स कंट्रास्ट के, प्लीट्स, डिफरेंट तरह के टेक्स्चर्स, शेप्स, ट्रिमिंग्स, बाइंडिंग, एम्ब्रॉयडरी द्वारा खूबसूरत से खूबसूरत पॉकेट बना सकते हैं। लेकिन जेंट्स परिधानों में हम पॉकेट में क्या क्रिएटिव डिजाइन करें उसके लिए हमें प्लीट, टक्स या स्ट्राइप्स के चेंजेस, जैसे जेंट्स गारमेंट में हमेशा होते हैं कि उनके जो फैब्रिक्स होते हैं वो हमेशा लाइनिंग के उसमें होते हैं या देखा जाता है तो वो चेक्स के फॉर्म में, अब इन लाइनिंग और चेक को हम किस तरह से यूज करें। एक ऐसे लाइनिंग है, यदि इसको हमने डायगनल स्ट्रेट लाइन को ऐसे बायस कट में किया तो हमें एक डायगनल लुक मिलता है इस तरह से, और यदि हमने इसे क्रॉस वाइज ग्रेन में स्ट्राइप्स को काट दिया तो हमें इसमें क्रॉस वाइज आड़ा बट हॉरिजॉन्टल लुक से भी हम पॉकेट को बना सकते हैं। आगे है
इनसीम पॉकेट, इसे हिडन पॉकेट या साइड पॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल वेस्टलैंड में हिप या सीट भाग के जो सेंटर का पार्ट होता है वहाँ ये सीम्स के मध्य में अटैच की जाने वाली पाउचनुमा पॉकेट होती है। इसमें पॉकेट बैग तैयार करके इंसर्ट किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये साइड में दिखाई देती है, अभी हम इसके कुछ सैंपल्स भी देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा ये पॉकेट एक्चुअल में होती क्या। ये साइड है हमारे गारमेंट की, अभी हम इसको इस तरह से देख रहे हैं। इसके लिए हमें टू पीस में एक बैग क्रिएट करना होता है जिसमें हम हार्ट में डालते हैं। इसके बीच में ये पॉकेट माउथ होता है, इसके हार्ट डालने से हम अपना इसमें हार्ट डाल सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होती है, हम हर तरह की जेंट्स गारमेंट्स में और लेडीज गारमेंट्स में देखते हैं, जैसे कलीदार कुर्ता, लेडीज कुर्ते, पैंट, नेकर आदि, पायजामा आदि में दिखाई देती है। इसे लिंक पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जेंट्स कुर्ते में बनाते हैं तो इसका ये शेप इस तरह से ना होकर इस तरह से दिखाई देता है कि एक ये देखो, अभी इसका सैंपल दिखाया जाएगा। इसको कम से कम ये 20 इंच लंबा और 7 इंच या 6 से 7 इंच के लगभग एक रेक्टेंगल पीस होता है जिसको हम यहाँ से फोल्ड करते हैं और एक बैग तैयार होता है। ये बीच का इसका पार्ट होता है, ये कट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पैच पीच मतलब इनसाइड लगेगा, ये तो सिर्फ इसका पैटर्न है इस तरह से, और ये इसको अपर अपनी नेचुरल वेस्टलैंड की उसमें लेबल पे इसको थोड़ा सा ऊपर करके 1.5 इंच ऊपर लगाया जाता है। आगे है कट पॉकेट। कट पॉकेट परिधान में कट लगाकर और पॉकेट ब्रेक अटैच करके तैयार की जाती है। इसे बैक पॉकेट, बाउंड पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। ये इस तरह से दिखाई देती है। बैक पॉकेट, ये इसमें हाथ इंसर्ट किया जाता है और एक अंदर पाउच होता है जो कि ये हमेशा लाइनिंग वाले गारमेंट जैसे जैकेट्स, कोट्स इनमें लगाई जाती है। ये इसका बेल्ट होता है, अगर इसको बहुत ही पाइपिंग के इसके बाउंड इस तरह से बनाई जाती है, ये एक बाइंडिंग के फॉर्म में बनाई जाती है, इसको बाउंड पैकेट बोलते हैं। ये कट पॉकेट की तीसरी वेरिएशन के रूप में हम देखते हैं कि कई पैंट वगैरह में इस तरह से पॉकेट दिखाई देती है। ये अंदर वाला पार्ट है, बाहर से पॉकेट केवल इसी तरह से दिखाई देती है। ये भी कट पॉकेट का ही रूप है। इसको बनाते समय हमें इस तरह का बैग क्रिएट करना पड़ता है, वो बैग दो पीस में होता है। इस ये वाला फैब्रिक हमारा मेन फैब्रिक होता है, एक तो हमारा लाइट इसका जो बैग बन रहा है उसका वन पीस ये वाला होता है, दूसरे पीस जो हमारा इसका सेकंड पीस है जो पाउच बन रहा है उस पर हम एक मेन फैब्रिक लगाते हैं, उसको जेटिंग कहा जाता है। ये कोई सी भी चाहे पैच पॉकेट हो चाहे हमारी कट पॉकेट हो, इन सभी में अपनी गारमेंट से मिल का सेम पीस स्टार्टिंग में लगाया जाता है ताकि हमारा जो लुक है एकदम गारमेंट के एक्चुअल लुक में है वो डिफरेंट या कोई कंट्रास्ट ना दिखाई दे, क्योंकि लाइनिंग हमारी कई बार लाइट एंड डार्क कोई भी शेड में हो सकती है। इस पीस की हेल्प से हमारा वो गारमेंट बिल्कुल सेम दिखाई देता है। इस तरह का पॉकेट बैग क्रिएट किया जाता है जिसमें फर्स्ट पीस ये होता है जिसमें जेटिंग लगा होता है और सेकंड पीस ये होता है। इसको दोनों को तैयार कर पहले इसको गारमेंट के शेप से अटैच करके फिर इन दोनों पीस को साथ में लगा के अटैच कर दिया जाता है। इसे भी कट पॉकेट का ही वेरिएशन है, इसको हिप पॉकेट के नाम से जानते हैं। आगे है हमारा बाउंड पॉकेट। बाउंड पॉकेट क्रिएट करते समय या बैग पॉकेट क्रिएट करते समय हमें फैब्रिक पे जो भी हमारा फैब्रिक है उस पर एक मार्किंग लाइन देनी होती है कि हमें पॉकेट कहाँ बनानी है, उस पर हम फैब्रिक जिससे हम पाउच बनाने जा रहे हैं वो हमारी लाइन का या हमारा मेन फैब्रिक से अगर एक्स्ट्रा है तो वो भी हो सकता है, उस पर हम एक पीस रखते हैं दो पीस और उन पे सीम्स लगाते हुए इसको क्रिएट किया जाता है। ये सीम इसके बाद इसमें वी शेप नॉच लगाया जाता है।
और इसको इस फैब्रिक को यहाँ से कट करके इस बैग को अंदर इंसर्ट कर दे रहते हैं। इस तरह से ये बाउंड पॉकेट या बेल पॉकेट जैकेट्स कोट्स आदि में क्रिएट की जाती है। इनका फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं कि हमें इसका भी चेस्ट का या अगर कुल मिला के देखा जाए सॉरी सीट का तो ये 13 इंच के लगभग या 13-14 इंच मतलब 13-14 इंच लंबा और 7 इंच लंबा एक रेक्टेंगल पीस होता है जो हमें पाउच में पाउच या पॉकेट बैग बनाकर इसमें लगाया जाता है। इसकी इसी तरह से यहाँ भी हम देखते हैं कि हमारा हाथ पूरा इस पॉकेट में इंसर्ट हो जाए, इसलिए भी इसको 7 इंच के लगभग इसकी विड्थ जो कि और इसकी लंबाई हम 8 इंच के लगभग रखते हैं। इसकी विड्थ लेने का फॉर्मूला ये होता है कि हमारा सीट का हम इसमें 1/6 लेते हैं और 1.5 ऐड करके या हमें करना है या नहीं करना है क्योंकि इस विड्थ हमेशा लेते हैं 4 इंचेस से लेकर 6 इंचेस तक ये हमारी कट पॉकेट तैयार की जाती है। सारे ही पॉकेट्स की चौड़ाई का मेजरमेंट ऑलमोस्ट इतना ही रहता है जो हमारे गारमेंट्स में होती है कि सबसे पहले पॉकेट्स को जब हम पर्पज जो भी जिस पर्पज से बना रहे हैं उसका मेन पर्पज है कि हमारा हाथ आसानी से उसमें चला जाए और हम कुछ सामान रखना चाहें उसमें रख सकें, तो उसी की विड्थ या लेंथ के हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हुए बना सकते हैं। अब हम इसके कुछ सैंपल्स देखेंगे ताकि ये हम गारमेंट में किस तरह से दिखाई देती हैं वो हम इसको समझ सकें। कैश पॉकेट देखिए सबसे शर्ट में दिखाई दे रही है, ये सबसे इजी और बिल्कुल एकदम सबसे इजी वाली शेप है और इसे बिना डिज़ाइनिंग के और एकदम नीटली फिनिश किया गया है। डिज़ाइनिंग में बस इसमें यही डिज़ाइनिंग इसमें कुछ नहीं है, इसमें डायगनल या ट्रायंगुलर इफेक्ट दिया है इसमें कार्ड में ना वाला। ये पैकेट में पैच पॉकेट दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में इसको बनाया गया है एम्ब्रॉयडरी की हेल्प से और सीम लाइन के इफेक्ट से इसको बनाया गया है। इसमें एक फ्लैप भी इसमें यूज़ किया गया और एक बटन, इसलिए क्रिएटिव डिज़ाइन है ये भी। आगे देखिए पैच पॉकेट को एक ही जब पैक चेक का फैब्रिक है लेकिन इसे कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया गया कटिंग लाइन से, इसमें डायगनल इसको कटिंग करके इसमें किस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर इफेक्ट में इसको टक्स के माध्यम से इसको बहुत सुंदर तरीके से अरेंज करके इस एक फैब्रिक से इतनी सुंदर डिज़ाइन क्रिएट की गई है। नेक्स्ट है इनसीम पॉकेट। इनसीम पॉकेट हमें कुर्ते वगैरह में दिखाई देती है, इस साइड में इस तरह से लगी रहती है और एक इस तरह से इसमें हाथ इंसर्ट करके हम अपना सामान रख सकते हैं। बैग के रूप में इसका बैग इस तरह से दिखाई देता है, इसकी लगभग चौड़ाई और लंबाई 7 इंच और 12 इंच के लगभग होती है। हर पॉकेट का मेजरमेंट ऑलमोस्ट यही रहता है। ये कुर्ते में लगाई गई है लिंक पॉकेट, ये इस तरह का जिस तरह से अपन देख रहे थे अभी ये पॉकेट बैग है इसका, इस तरह से पॉकेट बैग अटैच किया जाता है, इसको यहाँ से टर्न करके इस पर सीम लगा दी जाती है और फ्रंट से इसका इफेक्ट इस तरह से दिखाई देता है। ये इस तरह से हम इसमें अपना हाथ डाल के इसमें सामान रख सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी बाउंड पॉकेट जिसे कट पॉकेट कहा जाता है, ये कट करके क्रिएट की जाती है एक बाउंडिंग फॉर्म में बाइंडिंग फॉर्म में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ये वाली बेल्ट पॉकेट, इसमें एक बेल्ट लगाया गया, इसमें बाइंडिंग बाउंड नहीं लग बाइंडिंग नहीं की गई है, इसमें एक तरफ बेल्ट का इस्तेमाल किया गया जिसे बेल्ट पॉकेट कहते हैं। इस तरह से इसका एक पाउच अंदर इस तरह से लगाया जाता है। बच्चों ये सारा हम अपने क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिकल क्लासेज में अपन करते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बनाने के लिए भी, तो हम इस पर यूट्यूब पर सर्च करके भी इसको अपने काम को आसान कर सकते हैं। ये कट पॉकेट है, कट पॉकेट का ही वेरिएशन है ये, इसमें फ्रंट में एक शेप कट की गई है और उसके हिसाब से इसका जो पाउच है वो तैयार करके इसमें लगाया गया है। ये पॉकेट है, अपन ने सारी पॉकेट अभी क्रमवार समझी है, आशा है कि आप ये सभी शेप्स वगैरह में और नाम के वगैरह में जान गए होंगे। धन्यवाद।